हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आलू पैनकेक। इसके लिए हमारी क्या इंग्रेडिएंट्स है उसको देख लेते हैं। आलू, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, बेसन, हरी मिर्च, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी धनिया और कुछ सब्जियां। इसमें मैंने शिमला मिर्च और गाजर काट लिया है बारीक। चलिए इसको बनाते हैं। आलू को हम कद्दूकस कर लेंगे। आलू को हमने कद्दूकस कर लिया है। अब इसमें 2 चम्मच बेसन डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट, पिंच ऑफ हल्दी, हरी मिर्च, नमक, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें, हरी धनिया। इसको मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। पैन को हमने गरम कर लिया है। इसमें 1/2 चम्मच तेल डालेंगे, इसको फैला लें। अब इसमें जो हमने बनाया था बैटर उसको डालेंगे। अब इसमें थोड़ी सी सब्जी डाल देंगे, इसको हल्का सा प्रेस कर दें जिससे सब्जी चिपक जाए। हल्का सा तेल साइड में भी डालेंगे, हरी धनिया डाल देंगे, इसको पलट लें। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ये बन चुका है, इसको निकाल लेते हैं। आलू पैनकेक हमारा रेडी हो गया है। आप इसको सुबह नाश्ते में खा सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी है क्योंकि इसमें वेजिटेबल्स डले हुए हैं। फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखें। थैंक यू।